सहानुभूति दर्शन प्रश्न नंबर 64 तारीख 15/1/99 श्री देवचंद भाई। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसावणम नमो समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अपन अंदर में ठहर नहीं सकते, इसलिए उपयोग तो बाहर आया। उपयोग बाहर आया वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो नुकसान तो होने ही वाला है। नुकसान तो होने ही वाला है, लेकिन जब नुकसान होने वाला है तो सबसे कम नुकसान हो गया ऐसा काम करना नहीं कर, तो दुकान गृहस्थी में बस जाएगा, प्रवृत्ति में रह जाएगा तो नुकसान ज्यादा होगा, कसाय तीव्र हो जाएगा। इसके बदले अगर गुरु की भक्ति का आधार लेगा, देवगुरु शास्त्र के समीप पढ़ेगा, उनका सत्संग करेगा, उनके दर्शन सेवा का लाभ लेगा, तो उसके परिणाम जो है तीव्र कसाय नहीं होकर मन कसाय, वो भी है तो नुकसान, लेकिन ज्यादा नुकसान से बचने के लिए वो आए बिना नहीं रहता है। दुकान में जाएगा तो कोई कहना नहीं कि तुम अपने आत्मा में जाओ, घर में जाएगा तो कोई कहेगा नहीं कि तुम अपने आत्मा को पहचानो, कम से कम गुरु के पास जाएगा तो गुरु तो बोलेंगे भाई तुम क्या इधर आए हो, तुम अपने आत्मा को संभाल लो। गुरु ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि मेरे पास रहो, हम तो बोलते नहीं। तो यहाँ चांसेस है गुरु के पास आने, एक तो मन कसा है, ऊपर से गुरु हमको कहते हैं कि तुम भैया तुम अपने आत्मा की संभाल लो, कि भक्ति से तेरा कोई सुपर वाला होने वाला उपयोग। अगर प्रेम पलटता है तो जरूरत नहीं है गुरु के पास आने, नहीं पलट सकता है तो फिर कैसे पलटा ना, उसकी कला सीखने के लिए कहाँ जाएगा। अगर आपको गरज है, आप अपने आप पलट नहीं सकते हो, तो किसके पास जाना, गुरु के पास। ज्ञानी पुरुष भी देवगुरु शास्त्र जाते हैं क्योंकि खुद की कमजोरी मालूम है, और अपने से जो आगे हैं साधना जिनकी अच्छी चल रही है, जो मोक्ष मार्ग में आगे चल रहे हैं, उनका ताकत उनका वीर्य देख करके उनको लगता है कि मैं भी आपके ऐसा कैसे बनूं, मैं तो बामर हूँ, मुझे तो आपके ऐसा बनना है। तो गुणों का पुजारी है, यानी क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, और किसी अगर कृपावलय की भक्ति करते हैं या गुरुदेव की भक्ति करते हैं, वास्तव में वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वो उनके गुणों की पूजा करते हैं। इसीलिए गली में इनकी करेंगे, गली में उनकी करेंगे, गली में उनकी करेंगे, सब में उन गुणों की पूजा करते हैं। उनको व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई संप्रदाय खड़ा नहीं किया ज्ञानियों, और अज्ञानियों ने क्या किया, व्यक्तियों की पूजा की है। एक कृपावलय का संप्रदाय, एक गुरुदेव कान्ही स्वामी का संप्रदाय, ये महावीर स्वामी का, ये ऋषभदेव भगवान का, ऐसा हुआ है संप्रदाय। लेकिन ज्ञानियों ने सभी व्यक्ति की पूजा नहीं की, गुणों की पूजा की, उनके लिए सभी ज्ञानी धर्मात्मा भगवान ने सभी इस मोक्ष मार्ग पे चले हैं, सभी के ऊपर से उनका इतना ही आदर भाव रहता है, इतनी भक्ति रहती है, और वो भक्ति करते नहीं है, भक्ति गुण को देख करके हो जाती है। अज्ञानी को भक्ति करना पड़ता है जबरदस्ती, लाभ नहीं होता है, और जबरदस्ती भक्ति करते हो तो क्या होता है, तो भक्ति का कोई मतलब नहीं है, वो राग है, वो प्रेम नहीं है, और वो कभी निष्काम भी नहीं होती, राग कभी भी निष्काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ रहता है इसके अंदर। जबकि निष्काम भक्ति जो हो जाती है उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं होता है, सिर्फ आत्मा जन्म मरण से कैसे छूटे यही एक भावना होती है, दूसरा कोई कारण नहीं।
इसलिए भक्ति का तो बहुत बड़ा महत्व है। और सीधा अगर उपयोग अंदर में जाता है तो कौन मना करता है, चले जाओ अंदर में, कि गुरु के पास आने की क्या जरूरत। लेकिन सीधा उपयोग किसी का अंदर जाता नहीं। तो गुणस्तर वाले की क्या हैसियत है, बुनियाद ने गंधर भगवान गंधर जैसे आचार्य भी कहा रहते हैं, भगवान के दीन दर्द के बाद कमल में रहते हैं, भक्ति करते हैं इंद्र भगवान। मुनियाद भी भक्ता मस्त्र ये सब लिखा है कि नहीं, मुनियादों ने लिखा है भक्ति का, लघु तत्व स्फोट आचार्य अमृतचंद्र ने भक्ति की है इंद्र भगवान को। अब आचार्य को नहीं मालूम है आत्मा को, मैं हजारों बार निरुकल दशा करते हैं एक दिन में, तो इतना पावर होने पर भी, इतनी निरुकल दशा होने पर भी भक्ति क्यों करते हैं इंद्र भगवान की। अपने उपयोग को ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए भक्ति सहज उपयोग, उसमें उनका लाभ, बिना लाभ के कोई नहीं करते हैं, तो लाभ समझ के ही करते हैं। नेत्र किसी का प्रश्न हो तो बताइए। देव गुरु शास्त्र के पीछे भक्ति करता है उसके पीछे भावना क्या है, अंदर में लीनता, स्थिरता का ही भावना है, तो स्थिरता सबसे पहले रहती है। डायरेक्ट स्थिरता करो चाहे भक्ति के थ्रू स्थिरता करो, करना क्या है आखिर में, प्रयोजन तो भक्ति का है ही नहीं, प्रयोजन तो दोनों काम में, डायरेक्ट कोई चिंता करता है उसमें भी अपने आत्म शांति बढ़ाना, और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसी कला हाथ में नहीं आई है, तो देव गुरु के पास सीख करके, तो कला सीख करके ऑफिस वही काम करना है, तो भक्ति का प्रयोजन ही कहाँ है इस मार्ग के अंदर। जैन मार्ग में भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है वास्तव में देखा जाए, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नमो अरिहंताणु है, नमो सिद्धानंद बाद में है, क्यों, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। बात तो ऐसी है जैन मार्ग में, क्योंकि जब सिद्धांत ही ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है, कार्य हमेशा उपादान से होता है, निमित्त से होता है नहीं, तो फिर वहां भक्ति करने का प्रयोजन क्या है, नहीं कुछ कुछ मांगना करने की बात ही नहीं है, अपना काम कोई कर देने वाला भी नहीं। फिर इतनी सारी बात करते हैं ना, कृपा उद्योग परम दीनता की कमी, परमेश्वर बुद्धि, ये सब क्या है, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, उसको ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है, ज्ञानी में और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है, जो अंतर मानता है उसको मार्ग की प्राप्ति परम निकट है, ज्ञानी तो परमात्मा ही है, ये बात क्यों लिखी थी। आप बोलते हैं जैन धर्म में भक्ति का स्थान नहीं, ये बात क्यों कहां से आ गई थी, किधर से लाए, बस रहस्यमय बातें नहीं, नहीं होने पर भी साधक जी को भक्ति आए बिना रहती तो उसका व्यवहार निश्चय नहीं है। निश्चय में तो अपने आत्मा में रहना वो निश्चय है, लेकिन अपने आत्मा में सीधा नहीं जा सकता है जब तक देखना लब्धि न मिले, जब तक पांच समय में निमित्त की आदि न हो, तब तक कार्य संपन्न होता की वाणी है। जब कार्य उपादान से होता है, लेखा लब्धि की जरूरत ही क्या थी, कि पांच समय में निमित्त की जरूरत क्या थी, वो बात भी है, ये बात भी है, उपादान नाम नहीं ये जे तजय हम ये नहीं सिद्धत बने सही भ्रांति। देखो कृपाल ने क्या बैलेंस निकाला है, लोग एक हम समझ लेते हैं बातों, गुरुदेव की बात भी सही है और कृपाल जी की बात भी सही, सारे उपादान से होता है, स्वयं करे तो होता है, पोते करे तो था है। ये द्रव्य दृष्टि की बात भी सही है, निश्चय की बात, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हास अधु न परे, अब क्यों न विचारत हे मन पे कछु और रहा, बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, ये बात भी सही है,
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की सेवे सदगुरु के चरण तो पावे सत्संग। बुझी तहत जो प्यास तो है गुजन की, पावे नहीं गुरु गम बिना। यही अनादि ये बात भी सही है और वो बात भी। बैलेंस कर लो, बहुत अस्पष्ट मामला है। कोई भी आप एक बात करो, गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं। बोलो आगे चलने के लिए पैर उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, क्या उठाना चाहिए, तो रखते क्यों हो, रखना भी चाहिए, पैर उठाना भी चाहिए और रखना भी। ऐसा अस्पष्ट मार्ग है, पैर उठाओगे तो गिर जाओगे, नहीं उठाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, क्या करोगे, चलना है तो दोनों काम भी। निमित का जोर निकालना है, निमित कोई अपना हाथ पकड़े ना, डूबते हुए कोई अपना हाथ पकड़े तो क्या करना, पूरा उसको खींचे ना, क्या करना, खींचे हाथ देता है क्या करना, उसको खींचना है। अरे भाई तेरा प्रयोजन तो बाहर निकलने का, तुम उसको क्यों खींच रहे हो, आपके बिना नहीं चल रहे, बाहर डालेगा तो गुरु को मार डालेगा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। इसीलिए उपादान उपादान की जगह पे निमित, निमित से तो रास्ता धुन गाने ले लेना और अपनी चाल से चलना, उपादान की जगह उपादान जाना, बाकी कोई निमित्त का वैल्यू नहीं। लेकिन देखो ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, खुद परमात्मा है, खुद का ठिकाना उसको नहीं मालूम, सारी दुनिया को देख सकता है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकता है। ऐसी अटपटी बात, ऐसी अटपटी उलझन का समाधान जो कराता है उसका कितना उपकार माने, कि चमड़ी छील करके उसके जूते बनाए तो भी गुरु के उपकार का बदला हम चुका सकते, ये बात है। तो गुरुदेव की भाषा है परमागम कर्म, गुरु के ऊपर भी क्या बात करते हैं, वहां आदेहादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, दास दास हूँ दास हूँ, ऐसा गुरु का उपकार इतना बना होता। वही जिनागम में वही वचन है, वो भी ज्ञानी के वचन है, देखो अब बेंसी का मतलब मत में है ना, देखो गुरु भगवान जी में भी पूजे गोदे सी मेरे लिए क्या है, अनंत शंकर से बढ़ के कहां से आई बात, जो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा आत्मा सर्वस्व है, वो गुरु की भक्ति कैसे करते हैं, जिसको लाभ होता है वो भक्ति करे बिना रह नहीं सकता। अगर भक्ति नहीं है तो समझना कि उसको लाभ भी हुआ, देखो ये 333 नंबर 333 माता जी के वचन, सावधानी में रहना, मुमुक्षु को कहते हैं सावधानी में रहना, मुझे सब कुछ आता है, ऐसे अपने श्योर सम के आधार के अवलंबन के रास्ते पे जाना, क्योंकि ये जीव अनंत काल की भटकन में राग द्वेष के रास्ते में तो अनंत काल से चलता आया है, उसने धंधा यही किया, नुकसानी का धंधा किया, आज तक कभी प्रॉफिट किया ही नहीं, वहां से उसको वापस लाने के लिए, नुकसानी से बचाने के लिए, भाव सागर में डूबने से बचने के लिए क्या कहिए, सर के ऊपर गुरु चाहिए, जब तक वो उसको गुरु रास्ता नहीं बताएंगे तब तक वो ऐसा ही करते रहेगा, कौन सा राग द्वेष पुण्य पाप के पढ़ना, उसको मालूम ही नहीं धर्म क्या चीज है, विकराकता क्या चीज है उसको नहीं मालूम, वो तो राग करना सीखा है, वैराग करना सीखा है, क्या सीखा है, या तो घर को घने लगाना या घर को छोड़ देना, दीक्षा ले लेना जंगल में चले जाना, उसको वही आता है, घर में रहते हुए किस प्रकार से उदासीन रहना और आत्म साधना करना वो उसको नहीं आता है,
ये कौन सिखाएगा? मां से रोकने के लिए सर पे गुरु चाहिए। एक अपनी लगाम कि मुझे भाव सागर से छूटना है, ऐसी तमन्ना भावना सच्ची, और दूसरे गुरु की लगाम। दो लगाम चाहिए, घोड़े को दो लगाम होती है ना, दो ऐसी दो होती है, तो ही जीव वापिस आवे, नहीं तो कंट्रोल के बाहर चले जाएगा जी, कभी उसका ठिकाना रहेगा नहीं, क्योंकि पाप पुण्य वही आदत पड़ी है। जानकारी के अभिमान से दूर रहना अच्छा है, मतलब लाभ है, अच्छा मतलब लाभ। अभिमान करेगा तो नुकसान है, और अभिमान छोड़ देगा तो स्वयं का लाभ। और बाहर प्रसिद्धि मिले कि मैं इतना जानता हूं, ऐसी प्रसिद्धि मिले, ऐसे प्रसंगों से दूर भागने में अच्छा है लाभ। कि वहां जाने से इतने लोग सुनेंगे, फिर आपकी इतनी वाहवाह होगी, चलो जाएंगे, नहीं जाना, हाँ सुन देना भैया, हमको टोले खड़े करने नहीं, हमको शिष्य नहीं बनाना है, नहीं तो हम परेशान क्या। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए, और प्रसिद्धि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब प्रसंग है भाई। जिससे अपने नाम रोशन हो दुनिया भर में, सब टोले हो जाए जमा, बहुत प्रसिद्धि हो जाए, ऐसे प्रसंग में कोई साफ नहीं है। साफ नहीं मतलब क्या, इसमें आत्मा का कोई भला नहीं, आत्मा को रंज मात्र ही फायदा होता, निसार है। क्योंकि सारभूत शांति का सागर, शांति का धाम, सुख धाम कौन है? बाहर में प्रसिद्धि हो गया उसमें कोई फायदा नहीं है जी, आत्मा मिले, आत्मा शांति मिले, उसमें जी को फायदा है। ये बात माता जी ने की है, गुरु का कितना महत्व है ना। दूसरा बोल भी सर, 334 नंबर, आत्मा थी को, जिसको शांति चाहिए उसको आत्मा थी, आत्मा चाहिए, और जिसको शांति चाहिए, दोनों एक ही वर्ड है। यह थर्ड वर्ड है कि जिसको अशांति नहीं चाहिए वो भी आत्मा थी। ऐसे जीव को क्या करना, ऐसे जीव को श्री गुरु के सानिध्य में रहने से और अंतर्मुख का पुरुषार्थ करने से बहुत फायदा होता है। इतना ही नहीं, जो घर बैठे अवलोकन नहीं कर पाता है वो इनके सानिध्य में अपने आप होता है, उनके साथ में रहने से ही चालू हो जाता है। जो कार्य वो घर में नहीं कर सकता है, सामने पर भी, तो आत्मार्थी जीव को श्री गुरु के सानिध्य में रहने से उसका अंतर्मुख का आत्मलाभ का पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होता है, बिना ज्यादा प्रयत्न किए। मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, ऐसी दृष्टि रहनी चाहिए। मैं भी कुछ हूं, अगर ऐसा हो जाएगा तो सेवक बना छूट जाएगा। और आत्मार्थी को तो सेवक बन के रहने में ही ज्यादा लाभ है। सेवक बनने का जो भाव है, परम देनता वाला भाव, से लाभ क्या होगा अर्जुन के प्रति, से लाभ क्या होगा? गुण समुद्र आत्मा प्रकट होने में निमित्त बनता है, ऐसा जो भाव है सेवक बनने का वो निमित्त है। तो कार्य क्या होने वाला है? अपने आत्मा को लाभ होने, अपने आत्मा के लाभ के लिए आपको झुकना पड़े तो झुक जाए, लेकिन कैसा भी करके अपने आत्मा को पा लेना। बाद में भी गिर जाते हैं ना लोग, कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, यहाँ भी अपना प्रयोजन है परम शांति। अगर झुकने मात्र से मिल जाता हो तो फिर देर किस बात की है, झुकना तो आता ही है। झुकता भैया और झुकता है वो पाता है, झुकता है वो, ये बात इधर की देखो, तूफान आता है ना जब बाबा जोड़ा साइक्लोन, तो क्या होता है? छोटे छोटे पौधे हैं उसको कुछ नहीं होता है, अब बड़े बड़े जाते हैं,
ऐसा क्यों होता है? कभी देखा है कि पौधा ऐसा है, हवा ऐसे ऐसा दिख जाता है, ऐसा ऐसा दिख जाता है, उसके सर के ऊपर से हवा चले जाती है और झाड़ होता है उसके मूल अंदर गहराई में होते हैं, अकड़ के बैठा है। तू हिलाओगे तो भी मैं हिलूंगा, तो जूते खाता है उखड़ के चले जाता है। इतना बड़ा झाड़ उखड़ जाता है, छोटे वाले पौधे को कुछ नहीं होता। क्या वजह है? उसको झुकना आता है। इसीलिए दास भगवंत के उदास जगत के दुखिया सदे वैसे जीव संपत्ति की ज्ञानी है, जो भगवान के दास है और सारे जगत से उदास है, ना लेना ना देना, उदासीन है, न राग न द्वेष, ऐसे संपत्ति जीव सदा सुखी है, सदा सुखिया सुखिया सदैव ऐसे ऐसे संपत्ति जीव ज्ञानी है, भगवान के दास और सारे संसार के उदास, न लेना न देना कुछ, न राग न द्वेष, ऐसे क्या होते हैं? कोई आपना रखे तो भी मैं आपने ही नहीं, बस मेन तो मेन बात हम अपना आवरा छोड़ रहे सदा है, नहीं हमारा ऐसा था तुम भी बड़े का हमारा भी सच्चा है भैया, ये तुम्हारा मेरी गलती है, तुम्हारे कौन से हो बड़े हो, तुम्हारा भी इतनी गलती है, वो आत्मा कल्याण रहा वाटी में, तुम्हारा भी उसका भी लाइन चले गई दिसुम दिसुम, हमको नहीं मतलब है, हमको तो शांति चाहिए तो बैठो, हमको भी शांति चाहिए, तुमको भी शांति चाहिए, बैठ के बातें करें, अगर तुमको शांति नहीं चाहिए तो भैया हमको तो टाइम वेस्ट नहीं करना, माफ करना ना। नहीं आप में ये गलती है, आप में भैया सही बात है, हमारे सही है तो वही बात बाकी कुछ आया थे ना जुनून खान, जुनून खान आया तो क्या करें, अब दिल्ली में और कुछ पूछने का है? बोलो अब सवाल कोई है तो बोलो। वो तो रहने दो, अपने अपने अनुभव की बात है, उसको प्रत्यक्ष में नजर आ रही थी। सुबह का पत्रांग का कैसेट है दिनेश भाई, आप सुन लेना बहुत अच्छा है, अभी आए रह गए ना शाम तक सुन लेना, अच्छा है प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न इस अनुभूति दर्शन में पूज्य भगवती माता को प्रश्न पूछा, प्रश्न नंबर है 64 नंबर, क्या 64 नंबर का प्रश्न है जो माता जी ने पूछा गया, उसका प्रश्न ये है कि हम ध्यान में जब बैठते हैं तो किस तरह का चिंतन करें, इसका तरीका बताइए। हम आंख बंद करके ऐसा बैठते हैं कि आंख बंद करके जब हम बैठते हैं ध्यान में तो क्या सोचना चाहिए, क्या चिंतन मनन चलना चाहिए? फेस नहीं दिखेगा तो फिर खत्म है, एक्टर का मुंह नहीं दिखे, एक्टिंग नहीं दिखे तो मतलब डांस करने वाले के पैर दिखे सब दिखे लेकिन फेस नहीं दिखे तो मतलब नहीं है। हम ध्यान में बैठे तो किस तरह का चिंतन करें, इसका तरीका बताइए। माता जी को प्रश्न पूछा, पहले तो यथार्थ ज्ञान करना कि गायब कैसा है, ज्ञान नहीं होता है पहले, क्या होता है ज्ञान होता है, ये जो अपने मुमुक्षु का टॉप लेवल जो आता है पदार्थ का निर्णय, वो एक्चुअली पदार्थ का ज्ञान है, जिसको पदार्थ का ज्ञान होता है इसके बाद मिरिकल दशा ध्यान में आती है, इसके पहले समय जिसमें किसी को होता भी नहीं। जिसको ध्यान पहले करना है और ज्ञान कुछ पता ही नहीं है कि किसका ध्यान करना है वो क्या करे, सत्संग बिना नु ध्यान तारम रूप है 128 निकल दी आ गया तो कुछ ढूंढा इसके पहले अपन बोल
सत्संग बिना का ध्यान तरंग रूप से पड़े, गम पड़ा बिना आगम अनर्थ कर, संत बिना अंत नी बात नो अंत कमातो तीनो बातें नहीं है इसको बताने, संत बिना सदगुरु के बिना अंत की बात का, इस भगवान बनने की बात का अंत रहस्य समझ में आता, लोक त्याग बिना लोकाग्रह सेवा तुम, लोगों को लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे, सब लोग डूबने वाले हैं, हमको तैरना है तो हमको लोगों से दूर जाना पड़ेगा तो हम ऊपर पहुंचेंगे लोकाग्रह, नहीं तो हमारा तो ख्याल नहीं है, लोगों के साथ जाएंगे तो वो जब निगोद जाएंगे तो हम भी जाएंगे निगोद, दुखी नहीं होना है, हाथा छोड़ देना, गम पड़ा भी ना आगम पढ़ते हो लेकिन समझ नहीं पड़ती है कि कौन सी बात व्यवहार की है, कौन सी नीचे की है, कौन सी बात अज्ञानी को लागू होती है, कौन सी बात मुमुक्ष को लागू होती है, कौन सी बात ज्ञानी की है, कौन सी बात मूल्यात की है, उनको पता नहीं कि कौन सी बात किसको मिलती है, पकड़ ले सब दवा पी ले तो क्या हो गए, जल्दी नहीं मरता पहले बाद में मरने वाला है, उसके बाद आज ही निकल जाए दवा खाने की सब दवा ले ले, गम पड़ा भी नहीं, गम पड़ा समझ नहीं, गम रहस्य नहीं समझ पाता और आगम पड़ता है, कौन से शब्द के पीछे आशय क्या है वो नहीं समझ में आता, गम नहीं पड़ता है, मृत शब्द है, गम नहीं है और आगम पड़ता है, आगम मन शास्त्र और उसका पीछे आशय क्या है, किसको कहते हैं ये दवा, किसको लेने की है मालूम नहीं हो, सब दवा पी लेता है, गिनवानी है पूजा सब उसकी धुलाई पहले हो जाती है, उसका दर्शन वो इतना तीव्र होता है कि उसको भी दूसरा बोले ना भैया ग्यारह नौ पुरुष से भी कुछ नहीं होता, हाँ आपको मालूम है, मालूम है मालूम है, लेकिन अवलोकन भी करता इसका रिएक्शन हो गया दवाई, अब उसको कोई दवा चाल लागू नहीं होती, सब दवा पी लिया क्या रही, हम कोई रिएक्शन देना होता ही नहीं, दवा लागू ही नहीं होती, शास्त्र पाठी आगम पाठी का ये हाल होते हैं, बुरे हाल है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिसको कोई आग्रह नहीं उसको पलटाना आसान है क्या, लेकिन जिसने कचरा बहुत भर लिया अंदर उधर, उसको बोलना भैया तुम हाथी से नीचे उतरो तुम सीधा है, वो हाथी से नीचे उतरे तब वो तो वही बोलेगा मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, मालूम है तो भैया तुम क्यों बैठे हो, देख लो ना अपने आत्मा को, क्या कोशिश कर रहे हैं, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, गाड़ी चल रही है हमारी, अब गाड़ी चलती नहीं है असल में, क्योंकि शास्त्र में यही बात आती है कि जो सच्चे दिल से प्रयत्न करता है उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आत्मज्ञान हो ही जाता है, अब उसको पूछना कि तुम शास्त्र पढ़ते हो इतना जानते हो कितने साल से, तुम्हारा 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ, कब की हो गया है, क्या हुआ है, हो जाएगा नहीं उसको मालूम है कि नहीं होने वाला, उसको अंतरात्मा की तो आवाज वही है कि मैं तो मानव मेरे से नहीं होने वाला, लेकिन बाहर में धकोसला है, बोलता है कोशिश तो कर रहे हैं, सच्चे देव गुरु साहब की भक्ति कर रहे हैं, दिनवाणी पढ़ रहे हैं, हो जाएगा इतना एक दिन, अब फ्रंदर में जब होने वाला होगा तब आपकी दाल दिया कोई नहीं मिला तो क्रमबद्ध अच्छा मिल जाता है, तब भाई हम कोशिश करते हैं, हमारी इतनी ताकत लगा दिया है, अब इस भाव में दूसरे भाव में हमको हमने गुरु से पूछ लिया है हमारा कब होगा, कुछ बात नहीं हो जाएगा, लेकिन कब दूसरे भाव में भी हो जाएगा, फिक्र ऐसे गुरु भी डूबने वाले हैं और तो सुनने वाला मानने वाला वो भी डूबने वाला है, गुरु को मालूम है, गुरु बोलता है आज ही करना, अभी गुरु कल पे छोड़ने की बोलता है नहीं, वो सच्चा गुरु है, जो हो जाएगा हो जाएगा, हया धारण कराता है ना उसका काम नहीं है, तो गुरु ही नहीं, पहली बार आज नहीं कल हो जाएगा, शांति रखो, शांति कैसे रखें, संसार रूपी मगर के मुख में है और हम शांति रखें, क्या बात करते हो, ऐसे गुरु को थप्पड़ मार देना सीधी तो सर, शांति रखने को बोलते हो, पग मुक्ता पाप से जो का जहर से माथे मौत बन रहे तो आप बोलते शांति रखो सब हो जाएगा, ठीक है कैसे शांति रखते, क्योंकि अनंत काल का अथड़ा अथड़ा मर, ये जीव बहुत दुखी है,
इतना दुखी होने पर भी उसको बोला शांति रखो, हो जाएगा, ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको ठोस चाहिए, है रास्ता तो बताओ, नहीं है तो धोखाबाजी नहीं करी, ये तो खत्म कर डालेंगे तुम्हारे, कम से कम आपको नहीं मालूम है तो मत नहीं मालूम होगा यहाँ, ठीक है माफ, मालूम खुद को नहीं है और दूसरों को गलत रस्ते पट्टी पढ़ाते हैं, नहीं बहुत गाली लिखा है दुपा इस बात को नहीं लिखा बाप इतना है, आपको लगेगा एक आदमी भटकगा, एक आदमी नहीं भटका है, उसका पूरी वंश वारस, उसके अड़ोस पड़ोस मित्र सब अनंत अनंत पाप लगता है, एक जीव को गलत रास्ते पे ले गए अनंत गुणा पाप, दूसरा जीव तो अगर कोई शुभ कार्य किया तो स्वर्ग में जाकर के बाद में निगोद में जाएगा, तो नहीं पाया ये यहाँ से सीधी सीधी निकलती है निगोद की फटाफट, जितने भी बड़े बनते बैठे हैं व्याख्यान देते हैं और अंदर में आत्मज्ञान नहीं है, तो उल्टी पट्टी बढ़ाते हैं उसको बहुत ध्यान रखने की बात है, आत्मा सिद्धि में आता है ना मां मोहनीय कर्म थी बूढ़े भोजन माए, अशोक गुरु जो पुता नो मान ले किसका ध्यान, पहले ध्यानों के किसका ध्यान करना है, जाने बिना किसका ध्यान करोगे, जिस वस्तु को देखा नहीं है उसका ध्यान कैसे करोगे, ये बात है, पहले तो यथार्थ ज्ञान करना कि ज्ञानित कैसा है, वो जानने वाला है वो कैसा है, द्रव्य कैसा है, इसके इसमें कितने गुण है, उसकी हालत वर्तमान की हालत कैसी है, ये जो वर्ण गंध स्पर्श है वो पुद्गल द्रव्य है, ये अलग है और मैं चैतन्य द्रव्य अलग हूँ, ऐसे पहले यथार्थ ज्ञान करना, यथार्थ ज्ञान होने के बाद पीछे यथार्थ ज्ञान होता है, जब तक पदार्थ का मिलन नहीं है तब तक कोई भी मनुष्य जीव ज्ञानी बन सकता नहीं, ऐसा मनुष्य जीव जिसकी पहली गलती निकल गई है दूसरी गलती निकल गई, लेकिन पदार्थ का मिलन नहीं है, पदार्थ का ज्ञान नहीं है उसको भी आत्मज्ञान होने वाला, तीनों गलती निकल, संसार में रंच मात्र भी पैसे सुख मिलेगा ऐसी बुद्धि खत्म हो जाएगी, संसार में रह सकते हो लेकिन संसार में कहीं से भी थोड़ा भी सुख मिलेगा ऐसा अभिप्राय निकल जाना, तो पहली गलती देख ले, और अपने आत्म तत्व को पाने की इतनी गरज कि कोई आत्मा की बात करे ना तो उसके पैर पकड़ ले, आप ही मेरे लिए भगवान, इतनी गरज परम दीनता होनी थी, ये गलती निकले इसके बाद और एक फर्ट ले, पदार्थ का ज्ञान हो गए तो आत्मज्ञान होगा, तो आत्मध्यान होगा नहीं तो आत्मध्यान नहीं होता, तो यहाँ क्या है कि पहले यथा ध्यान करना पीछे यथा ध्यान होता है, मैं चैतन्य हूँ जानने देखने वाला उसका नाम है चैतन्य, मैं चैतन्य हूँ उसका अस्तित्व ग्रहण करने के बाद ध्यान होता है, अस्तित्व ग्रहण करना माने क्या, बहुत बड़ी बात है, पदार्थ का निर्णय कहो कि अस्तित्व ग्रहण कहो, स्वरूप निश्चय कहो कि आत्मा का भाव भाषण कहो, सब एक ही बात है, अस्तित्व ग्रहण होना चाहिए, जिस हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो आत्मा का एरिया कौन सा है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्क क्या क्या फंक्शनिंग चल रहा है उसका, तो पहले से ज्ञान में आना चाहिए, ज्ञान में कैसे ज्ञान में आना चाहिए, ऐसे ज्ञान में आना चाहिए कि जिस ज्ञान ने आपका नाक का कान का पांचों इंद्रियों का मन का आधार नहीं लिया है, बीच में कोई दलाली नहीं कर रहा है, ज्ञान के द्वारा जो आत्मा है उसका एरिया उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, उसको बोलते हैं पदार्थ, बीच में कोई नहीं चलेगा, मन बोले कि मैं आत्मा हूं आत्मा हूं शरीर से भिन्न हूं नहीं चलेगा, गुरु ने कहा है कि तुम ज्ञायक हो ज्ञायक हो ज्ञायक हो ऐसा बोले जाप जपे नहीं चलेगा, डायरेक्ट खुद के ज्ञान के द्वारा खुद टर्निंग करके अपने आत्मा के एरिया को अस्तित्व को पकड़ना चाहिए, ऐसा होता है तो ही ध्यान कर सकता है, नहीं तो ध्यान नहीं कर सकता, और एक बात चली थी अपनी कि जिसको अपना एरिया पता चलता है अस्तित्व का भान होता है
वो अगर ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो भी विद इन 6 महीने के अंदर उसको आत्म ध्यान हो जाएगा। ध्यान करने की चीज नहीं है और प्रेम करने की चीज नहीं है, और वेदना दुख लगे और दुख लगाने से लगता नहीं। दुख लगाना, प्रेम करना, ध्यान होना ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक घटना है करने से। अपने को अंदर से आत्मा ही पुकारेगा, मैं क्या करती हूँ, किसको, जिसको पदार्थ का निर्णय हुआ है, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो वो बाहर रहना चाहे तो रह नहीं सकते, तो उसका ध्यान हो जाए। मैं चैतन्य हूं उसका अस्तित्व ग्रहण करने के बाद ध्यान होता है। यथार्थ ज्ञान हुए बिना यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं। 54 नंबर, पदार्थ का निर्णय हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। पहले यथार्थ ज्ञान करना, पहले पदार्थ का निर्णय, जो गुरुदेव ने मार्ग बताया है उसका यथार्थ ज्ञान करना। बोलो पदार्थ जगत में, इस वर्ल्ड के अंदर 6 पदार्थ है, कितने वो हमने व्याकरण सिखाया नहीं है, लेकिन व्याकरण ऐसा है। जिनेन्द्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान में इस दुनिया में कितने पदार्थ देखे हैं, ओनली 6। जाति से जैसे जानवरों में देखो गाय है, भैंस, अब संख्या ज्यादा है, गाय भी बहुत है, भैंस भी बहुत है, भैंस भी बहुत है, जाति है ना अलग अलग, ऐसे पूरे पदार्थ की, पूरे वर्ल्ड की जाति देखोगे तो 26। उसमें से जीव एक है और बाकी के सब क्या है, जिसमें जीव नहीं है, ऐसे है 5 जो है अजीव है। उस 5 में जो सबसे पहला नाम है उद्भव देव, दूसरा है धर्म, अधर्म, आकाश, ऐसा है। पूरी वर्ल्ड के अंदर आकाश सिर्फ एक है, काल है ना, समय, टाइम, वो असंख्य है। धर्म एक है, अधर्म एक है, उद्गल अनंत अनंत है, और उद्गल जो आंखों से दिखता है, आंख से दिखता है, कान से सुनने में आता है, शब्द शब्द कान से सुनने में आता है, ये चखने में आता है, खट्टा मीठा, ये सब पुद्गल है। कलर, दुर्गंध सुगंध, ये सब पुद्गल है। ये पुद्गल कितने हैं पूरी दुनिया में, अनंत अनंत है, किस संख्या इतनी है। और जीव कितने हैं, अनंत, ये सब मिलकर के एक पूरा वर्ल्ड है जिसमें अपन रहते हैं। इतना सब है इसके अंदर, लेकिन वो बात हम नहीं करते हैं, क्यों कि इतना प्रयोजन भूत ज्ञान नहीं लगता है। इससे अच्छा सीधा अवलोकन करे, सीधा वेद ध्यान करे, फटाफट गाड़ी में बैठ जाए, 6 महीने का काम फिनिश। जीव पदार्थ में भी, जीव पदार्थ में भी मैं आपके पदार्थ, आपके जीव का ध्यान नहीं करूंगा, तो मैं जीव का ही ध्यान करूंगा, मैं सिद्धोगल का भी ध्यान नहीं करूंगा। क्या वो भी जीव है, लेकिन वो मेरे जीव, मेरा जीव नहीं है। क्या उसका ध्यान करने से मुझे भक्ति होगी तो पुण्य बन जाएगा, लेकिन सिद्धगति मिलने वाली, मैं तो मेरे जीव पदार्थ का ध्यान करूंगा, इनका ध्यान करने से मुझे शांति मिलेगी, लेकिन ध्यान बाद में, पहले जाऊं तो सही कैसा है, ये बात चल रही है। जब तक मालूम नहीं है कि मैं कैसा हूं, तब तक ध्यान कैसे करूंगा मैं। जिस घर में कभी गया नहीं, जिस गांव में कभी गया नहीं, उसका पता कैसे, कोई पिक्चर कैसे आएगा, याद करने से भी नहीं आता। तो पहले ध्यान, पहले ज्ञान करना पड़ता है। यथार्थ ज्ञान हुए बिना यथार्थ ध्यान होता ही नहीं। पहले यथार्थ ज्ञान करना, यथार्थ का मतलब क्या है, सब दुनिया बोलती है ऐसा नहीं, सर्वज्ञ भगवान, जिनेन्द्र भगवान जो पूर्ण वितराग है, पूर्ण शांति में, उन्होंने क्या बताया है, उसका ऐसा मानना, उसका नाम यथार्थ है। ऐसे तो कई लफंगे हैं अपने अपनी दुकान खोल के बैठे हैं,
बोलता आत्मा ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं चलता है। ज्ञानी ने क्या बताया, इंद्र भगवान ने क्या बताया, वैसा को ऐसा यथार्थ ज्ञान चाहिए। यथार्थ ज्ञान करना, जो गुरुदेव ने मार्ग बताया है उसका यथार्थ ज्ञान करना। कैसा मुक्ति का मार्ग है, छूटने का मार्ग कैसा है, कैसे वो मिलता है, कैसा स्वभाव है, मेरा स्वभाव कैसा है, राग द्वेष करने का स्वभाव है कि जानने का स्वभाव है, मेरा स्वभाव क्या है, असल में क्या है। जैसे पानी गर्म हुआ तो गर्म रहना वो उसका स्वभाव है कि ठंडा रहना उसका स्वभाव है। पानी पानी गर्म हुआ है, गर्म पानी तो गर्म गर्म रहना उसका स्वभाव है कि ठंडा रहना उसका स्वभाव है, ठंडा रहना। गर्म पानी का स्वभाव कैसा है, गर्म गर्म पानी का स्वभाव कैसा है, गर्म पानी का स्वभाव 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 की अपेक्षा से शीतल है। गर्म पानी का स्वभाव कैसा, ठंडा की गर्म ठंडा, गर्म पानी का स्वभाव गर्म है, उसको अग्नि में डालो क्या होता है, अग्नि बुझ जाती, ज्यादा अग्नि बढ़नी चाहिए ना, जैसे अग्नि में पेट्रोल डालो तो क्या होता है, आग लग जाए बढ़ता है ना, ऐसा अग्नि में गर्म पानी डालना क्या होता है, क्यों, क्योंकि गर्म पानी का स्वभाव कैसा है, समझो ये बात है। ऐसे है ये आत्मा है, हमारा स्वभाव है आत्मा, तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, राग द्वेष करने वाला है कि जानने वाला है, और ये जीव सारा दिन क्या करता है, अज्ञानी जीव क्या करता है, पहले अज्ञानी जीव की मानते हैं, ये ठीक है ये ठीक है, ये करना है ये नहीं करना है, यहाँ जाना है वहां नहीं जाना है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मित्र है दुश्मन है, नजर कहाँ है, दुनिया वालों को। अब मनुष्य जीव क्या करता है, वो जैसा है वैसा, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना मैं कैसा हूँ, क्या मनुष्य जीव क्या करता है, वो बड़े दोस्ती है लेकिन उसको नहीं देखना, उससे कुछ भी उससे मतलब क्या है, दोस्ती है तो खड़े में वो गिरेगा, गुणवान है तो फायदा उसको होगा, मेरे को क्या, अब मैं किसको देखूंगा, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं जन्म मरण में डूब रहा हूँ, अब मुझे मेरे को ही देखना है, अब मेरे को देखना है तो क्या देखना है, गुण को देखना है कि दोस्त को देखना है, घर में से कचरा निकालते हो कि अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हो बाहर, किसको देखना है, घर के अंदर कचरे को देखना है कि किसको देखना है, कचरे को क्यों बाहर निकाल देना है, इसलिए मनुष्य जीव क्या करता है, और दूसरों को देखना बंद करता है, आत्मा तो मिला नहीं तो कैसे देखेगा, उसके लिए क्या काम बचा है, अपने गुण दोष में से सिर्फ दोष को देखना, वही उसका काम है, गुण को लेने का मतलब नहीं है, वो तो वही अपने पास कहा जाने वाले हैं, लेकिन दोष रहेंगे तो बहुत नुकसान करेंगे, कर्म बंद रहेंगे, अधोगति में जाएंगे, सबसे पहला ध्यान किया जाता है गुण के दोष पे, कि भाई गुण भले ही है वो तो रखना है ना, जाले मारे निकालो सब, ट्यूबलाइट को निकाल के नहीं बाहर फेंकते हैं, क्या निकालते हैं, जाले, नजर कहाँ जाती है घर में, तो मनुष्य जीव अन्य पदार्थों में अच्छा बुरा नहीं करता, और अपने में आता है तो अपने दोस्तों को ही देखता है, मनुष्य जीव। अब ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, आगे बढ़ना है ना, मनुष्य में तो नहीं रहना है ना, वो क्या करेंगे, तो सारे परिणाम को देखना बंद करते, वर्तमान क्या हालत है, कैसे राग द्वेष करते हैं वो नहीं देखना, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है, क्या है, राग द्वेष करना दोष करना हमारा स्वभाव
दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है, ख्याल रखिए। दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए हम हर वक्त किसको चाहते हैं, दुख को चाहते हैं कि सुख को? क्यों? क्योंकि दुखी होना हमारा स्वभाव, सुखी होना हमारा स्वभाव। देखो स्वभाव कैसा है आत्मा, आत्मा को जानना है ना तो पहले ज्ञान करना पड़ेगा ना, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का स्वभाव कैसा है जानने का है, आदेश करने का नहीं। वितरकता आत्मा का स्वभाव है, शांति आत्मा का स्वभाव है, सुख आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अशांति, दुख, टेंशन, आकुलता, डर, भय, अज्ञान, राग द्वेष, वो आत्मा का स्वभाव नहीं, ये स्वभाव जानना चाहिए। अब देखो आपको क्या चाहिए बताइए, जब आत्मा का स्वभाव ऐसा है आपको क्या चाहिए, राग द्वेष चाहिए कि शांति चाहिए? शांति चाहिए, शांति कहाँ है? स्वभाव में। राग द्वेष कहाँ है? बाहर परिणाम में है ना। तो शांति चाहे तो किसको देखना और अशांति चाहे तो किसको देखना, सीधा हिसाब किताब है। खबर तो अगर मुमुक्षु जीव को परिणाम को देखने से बहुत आकुलता होती है, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे छूटूं, मेरा भ्रमण बढ़ते जाता है, मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, आप कुछ उपाय बताओ। भैया तेरा स्वभाव दुखी होने का नहीं है, और तेरा स्वभाव को जानने का है, राग द्वेष करने का नहीं। और जो जानने वाला है उसमें शांति है, जो राग द्वेष करने वाला है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसको अशांति है। अब बोलो तुमको क्या चाहिए, शांति चाहिए क्या शांति चाहिए? जानने वाला चाहिए कि नहीं जानने वाला, राग द्वेष करने वाला चाहिए, क्या चाहिए तेरे? अगर तुमको दुखी रहना है तो दूसरों को देखते रहे मुक्त जी, और अगर तुमको शांति चाहिए दोस्तों को छुटकारा लेना है तो किसको देखना? परिणाम को नहीं देखना, किसको देखना? स्वभाव को देखना, स्वभाव को देखना, ये बात। इसीलिए पहले यथा ध्यान करना कि कैसा मुक्ति का मार्ग है, वो कैसे मिलता है, स्वभाव कैसा है, कैसे मैं निर्मल हूं, ये राग द्वेष के परिणाम क्या चीज है, ये मोक्ष रूपी आत्मा कैसा है, ये सब पहले पहचान करके बाद में ध्यान करना। ध्यान करने की जल्दी नहीं करना भाई, पहले ध्यान तैयार कर लो पूरा अच्छी तरह, तो ध्यान यथा जमता है, नहीं तो अंदर गए कि अभी नहीं हुआ बाहर आ जाएगा। अभी तक नहीं हुआ क्या, दुखती है न कमर दुखते हैं न सब आकर शुरू हो जाते हैं, ध्यान होगा नहीं। ध्यान में कब जमता है जी? जब अपना स्वभाव का ज्ञान होता है तो ध्यान में बराबर लगा। ज्ञान बिना ध्यान जमता, प्रश्न क्या था? तो हम ध्यान में बैठे तो कैसा सोचना है, क्या करना, जरूरत ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान करो, ध्यान अपने आप हो जाएगा, कुछ करने धरने की बात नहीं। आप ध्यान करो, जानो शांति चाहिए तो किसको देखना? स्वभाव। और अशांति में रहना है तो किसको देखना? परिणाम। दूसरों को तो देखना ही नहीं है। ये मुमुक्षु में से ज्ञानी माने का तरीका, मुमुक्षु परिणाम को देखता है और देखते देखते जब उब जाता है, थक जाता है, हैरान परेशान हो जाता है, जब शांति ही चाहिए तो किसको देखता है? स्वभाव। तो क्या होता है? ज्ञानी बनना। इतनी बात है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। बोलो परम कृपालु। देखो प्रकाश सोगाणी जी का वचन, द्रव्य दृष्टि प्रकाश सोगाणी जी का वचन, मिथ्या तो है या संयुक्त हुआ है, देखो ही मत, मतलब परिणाम क्यों, देखो ही मत। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, हमेशा टिकने वाला ज्ञान की मूर्ति है, बस ऐसा नजर में आते ही, मतलब यहाँ पर लग जाते ही मिथ्या तो की पर्याय, मलिन पर्याय, राग द्वेष वाली पर्याय निश्चय नियम से चले जाएगी और दृष्टि के निर्णय में पूर्ण सिद्धि बढ़ी पड़ेगी। शांति चाहते हो, दृष्टि का निर्णय किया, दृष्टि का निर्णय उपयोग को आत्मा के ऊपर ले गए हम,
फोकस फोकस जो है ना उधर करने को इधर आ जाए। रास्ता साफ करने की जरूरत नहीं है, रास्ता अपने आप साफ होता है। नहीं अभी तो मैं अज्ञानी हूँ ना ऐसा हूँ ना ऐसा हूँ, ठीक अब मत देखो इधर फोकस करो, बस सिर्फ अपने कायमी तत्वों को देखो, लाइन क्लियर हो जाता है। परिणाम कैसे चल रहे मत देखो, स्वरूप को देखो तो मैं क्लियर होगा। परिणाम को हटा नहीं सकते, अगर वर्तमान परिणाम में कोई दोष होता है तो उसको आप चाहे तो भी गलती को सुधार नहीं सकते। परिणाम में से एकत्व छोड़ दो, मेरे यहां से छोड़ दो, मैं तो अलग भी जानने वाला देखने वाला हूँ, ऐसा रह जाओ नैन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व पूरे और परिणाम सुधर जाते हैं। ऐसे आप सुधारो 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 नहीं सुधरते, और द्रव्य को देखोगे और परिणाम को देखना बंद कर दोगे सुधर जाएंगे अपने आप। सोगानी जी की स्टाइल है ना वो सीधा क्या एटम बॉम्ब ही है सीधा, मार धड़क धड़ा धड़। और ऐसे और भी जो है खास खास जो है ले लेते हैं। स्वयं परिणामशील स्व और पर की पर्याय को क्या बदलना, देखो पर भी अपने आप बदलते रहता है। ठीक है कपड़ा नया लाए तेल तेल पुराना हो गया कि उसी दिन से पुराना होते होते दो चार साल में फेंक देंगे। ऐसे मकान बनाया आज गृह प्रवेश दो दिन का हुआ तीन दिन का हुआ चार दिन का हुआ ऐसा पचास साल का हुआ सौ साल का हुआ पुराना होता है कि नहीं होता है, कौन करता है पुराना। ऐसे अन्य पदार्थों का परिणाम चलते रहता है, आज लड़के का जन्म हुआ एक दिन दो दिन करते करते बड़ा कैसे बनता है, कोई करता है कि हाथ पैर खींचते हैं कि लंबा करते हैं क्या, कोई नहीं करता है वो अपने आप। ऐसे हर एक जड़ चेतन के परिणाम अपने आप हो ही रहा है, कोई बड़ा करता नहीं, हम अपने आप परिणाम परिणाम करते रहते हैं और फिर टाइम पे डेथ हो जाता है, संयोग हुआ है वियोग भी हो जाता है, वो किसी के हाथ में नहीं। ऐसे स्वयं परिणामशील स्व और पर की पर्याय, जैसे पर में ऐसा हो रहा है तो स्वयं में भी ऐसा ही हो रहा है, अपने आप एक एक दिन बीतते जाता है, एक एक समय एक एक मिनट बीत और जीव पुराना हो जाता है, मनुष्य परे मृत्यु के नजदीक जाती है, सब बदलते रहता है। अब उसको क्या बदलना, जो चल ही रहा है बदल ही रहा है उसको क्या बदलना। स्वयं परिणाम से स्व और पर की पर्याय उनको क्या बदलना, स्वयं परिणामशील स्व और पर की पर्याय उनको क्या तो बदलना है और क्यों बदलना है, आपको बदलने से क्या फायदा हुआ है। ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा शुक्रवार क्यों पहले पहले शनिवार पहले बाद में शुक्रवार ऐसा क्यों करना है, जरूरत क्या है आपको, जैसा ठीक है चल रहा है ऐसा क्यों चलाना है, तकलीफ क्या हो रही है, पता कैसे बदलना है क्या आपके पास उपाय कि जिससे शनिवार पहले और शुक्रवार बाद में आ, ऐसा कुछ आपके पास तरीका है। तीन सवाल किया है, दुनिया अपने आप बदल रही है, आप भी अपने आप बदल रहे हो और आपके साथ में दूसरे भी पदार्थ हैं अन्य जीव है उसका भी परिणाम चल रहा है, स्वयं अपने आप अपनी प्रगति कर ही रहे हैं हर वक्त, तो क्या बदलना है उसमें, क्या बदलना है पूरा बदलना है कि थोड़ा बदलना है उसमें, क्या बदलना है बात, दूसरा क्यों बदलना है, तीसरा कैसे बदलना है। ऐसी समझ आते ही अपनी समझ के साथ अपने गुणों का निमित नैमित्तिक संबंध दिखने से आत्मा का अपूर्व कार्य सहज ही प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसा देखोगे तो आपके पास कोई इलाज नहीं है सिवाय धरने देखने के, आपके पास कोई इलाज नहीं। अगर आप कुछ करने धरने जाते हो सिवाय टेंशन परेशानी कुछ हाथ लगने वाला नहीं, बेहतरी इसमें है जो हो रहा है जो बन रहा है अपने में और दूसरे में से राजी हो जाओ, इसका मतलब ओनली वॉच नथिंग एल्स। थैंक यू।
आत्मा के गुण अपने आप प्रकट हो जाए, ये बात इधर की हो। और दूसरा जो एक महत्व का पॉइंट था इसमें, मैं आत्मा पे दृष्टि लगाऊंगा तो दुख खत्म हो जाएगा। अच्छा किसी की बात है, पहले बात ना, जब उपयोग बाहर आए तब आपको मिठाई खिला देना। नहीं लगे तो नहीं लगे, हमको चाहिए भी कहाँ, दुख क्या चाहिए हमारे को, चाहिए हमको सुख चाहिए, और सुख मिले तो फिर हमको और क्या चाहिए। सुधरना है, सुधरना कहाँ रहता है, फिर शांति मिलने के बाद सुधरना कहाँ रहता है, अशांति हो तो सुधरना रहता है। लेकिन बोलेंगे कि दोषों को नहीं देखेंगे तो आगे बैठना पड़ेगा, वो दबा है ना ज्यादा पी भी। क्या किया है वो जो दोस्तों को देखने वाले, दवा बहुत 2 साल से पी रहे हो और ये दवा नहीं किया है, वेद ज्ञान वाले लेवल आ जाएगा तो परेशान नहीं। कोई भी ओवरडोज नुकसान करता है, ओवरडोज में नहीं रहना, डोज भी ज्यादा कहते भगवान आप ही उनको, उनके लिए वो है, आपके लिए वो ठीक है। क्या है, कोई दवा किसी को देते हैं ठीक है, और दवा लेने से वो सुधर गया तो वो दवा का क्या मतलब है भी खिलाने की। तो जिसको सुधरा वो सुधारा होगा वो दवा अच्छी तरह से ले लिए, उसको तो वो दवा नहीं लेनी, उसको तो बोलेंगे डॉक्टर के भैया आप जरूरत नहीं दवा की, क्यों ऐसा खाता करते हो, बंद करो दवा। अब वो बात किसी ने सुन रहा है, कुछ ने सुना है कि जिसको दवा लेनी है और उनको बंद कराते हो, हमारे को चलो आपसे छुट्टी, दसों को देखना बंद, मजा है पहले संसार में बहुत मजा आ रही है, ये अवलोकन से बहुत तकलीफ होती थी और अब आपको दवा दे रहे हैं और आपने सुन लिया, मैं भी ऐसा करूं क्या हो जाएगा मामला, आप ही संसार में रुचि लग जाएगा। सब दवा अपने को लागू, जिसकी दवा जो बहुत संभाल के चलना है, सब दवा पीने का तो मर जाएगा। सबका अलग अलग, सबका अलग अलग ही, मतलब शुरुआत वाले को अपने एक ही काम करना है, शुरुआत वाले को जब तक वेद ज्ञान के योग्य नहीं बने, अलग अलग प्रोग्राम संसार में रुचि है जब तक, अभी बाहर में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारे को तकलीफ हो जाती है, अभी इतने न्यूट्रल नहीं रहते हैं, कोई गाली देता है तो बहुत देर तक विचार चलते हैं, अपने मन की मर्जी से नहीं होता है तो बहुत टेंशन हो जाता है, क्या खाना भी अपने टाइम पे नहीं मिलता है वक्त पे तो भी प्रॉब्लम होता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो भी तो तकलीफ हो जाती है, कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जाना नहीं हो जाना पड़ता है तो टेंशन आ जाता है, ऐसा जब तक बनता है परिस्थिति बदलते ही हमारा दिमाग आउट हो जाता है, तो फिर उसको एक ही दवा लेनी है, कौन सी दवा, अपने परिणाम को देखना, कोई भी विचार को हटाना नहीं, अपने आप हट जाए तो हट जाए, हमको हटाना नहीं, हमको सिर्फ देखना है। लेकिन जिसको अभी हर हालत में संसार की कोई भी प्रसंग नहीं, ऊपर हो चाहे नीचे हो, अच्छे प्रसंग हो चाहे बुरे प्रसंग हो, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके परिणाम बिगड़ते नहीं, उसको दवा नहीं पीनी, अगर वो दवा पिएगा तो बिगड़ जाएगा मामला, तो दवा रिएक्शन करेगी, उसको दवा को स्टॉप करके भेज देंगे दवा में आने, ज्यादा फर्क मतलब इतना टेंशन नहीं आता हो और आत्मा के देखने की गरज पैदा हो गई हो, संसार से कंट्रोल गया हो, संसार चले कैसा भी चले हमको प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई अनुकूल चले कोई प्रतिकूल चले हमको माथा नहीं बनना है, जो चलना है चले, प्रसंग बनते रहते हैं और हम इसमें अटैचमेंट में नहीं आते, मौत टूट गया है, न खुशी के दिन आते हैं न रोने के दिन आते हैं, प्रसंग ऐसे बनते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं होता, इफेक्ट नहीं आता, तो ज्ञानी को अफेक्ट तो नहीं होता, और अवलोकन करने वाले को तो अवलोकन करते 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 तो होता है, अवलोकन करते 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 जब पराकाष्ठा पे पहुंचते हो, दवा लेते 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 जब एकदम सुधारा होता है, जब तब ऐसी हालत होती है, कैसी हालत होती है, क्या संसार में जो कुछ भी हुआ है, अच्छे दिन रहो चाहे बुरे दिन रहो,
परिस्थिति अच्छी रहे चाहे बुरी रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान किधर है? आत्म शांति चाहिए हमको, आत्मा चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। सब ऐसी भावना रहती है और सब सारी अपेक्षाएं सारी वासनाएं अन्य जीवों के प्रति मोह अन्य पदार्थों की रुचि सब खत्म हो जाती है। अवलोकन करते 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 इतना सुधार आ गया है, फिर वो दवा लेने की जरूरत नहीं। दवा लोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे और ओवरडोज हो जाएगा तो नुकसान भी हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, फिर परेशानी शुरू हो जाती है, उसको द्रव्य दृष्टि करना पड़ेगा। द्रव्यों की दृष्टि ज्यादा देर तक नहीं रहती है, नहीं रहती है जब हम कोशिश करते हैं द्रव्यों को देखने की, ज्ञान को देखने की, जानने वालों को देखने की। लेकिन अभी हम कच्चे खिलाड़ी हैं, अवलोकन में हम मास्टर हो गए लेकिन वेद ज्ञान में हम कैसे हैं? कच्चे खिलाड़ी हैं। अभी हमने शुरुआत की है, अवलोकन के लेसन पूरा किए, अब वेद ज्ञान के लेसन शुरू कर रहे हैं। जैसे अवलोकन शुरू में करते थे तो कच्चे खिलाड़ी थे तो तकलीफ होती थी, अवलोकन चलता था फिर विचार आते थे, फिर कोई मेहमान आया तो घुस जाते थे, किचन में गए तो घुस जाते थे, अवलोकन नहीं होता था। दुकान में बैठे ग्राहक आया तो अवलोकन मारो गोली, अरे ग्राहक को संभालो। ऐसा करते करते जब प्रैक्टिस करते करते जब परफेक्ट हुई, जब हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ी तो ग्राहक आया है उसको माल बेच रहे हैं पैसा गिन रहे हैं फिर भी हमारा अवलोकन पूर्व से अंत तक काम हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण मुपद ते वर ते जयते, प्रण मु पद ते वर ते जयते, प्रण मु पद ते वर ते जयते।